हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरब ब्लॉग्स। अभी देखो छुट्टी है, छुट्टी में इन लोग जब एग्जाम स्कूल रहता, बच्चों का मदरसा, डेली जो वर्क होता था, सवेरे 5:30 बजे उठना पड़ता ड्राइवर को, इधर पे जो कोई भी ड्राइवर काम करता। अभी देखो थोड़ा बहुत लोगों को, हर ड्राइवर का अलग ड्यूटी होता, किसी किसी का जो ऑफिस में जाता उन लोगों को 10 बजे 8 बजे उठ के जाते, जो मदरसा का जो ड्यूटी करता यानी जो घर में बच्चों को लेके जाता लेके आता, उन लोगों का ड्यूटी कैसा रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। मैं मदरसे का ड्यूटी करता हूँ, मतलब कि ज्यादातर मेरे बच्चों का काम करता हूँ मैं। तो आज मेरे को अभी दोपहर के 2 बजे मेरा मैडम का फोन आया। तो क्या करके फोन आया, आओ घर के पास बुलाई। अभी इंशाल्लाह अभी जाके किधर जा रही है आप लोगों को बताऊंगा वो, ठीक है। गैस से जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है, इंशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। इंशाल्लाह मेरे को बहुत प्यार मिल रहा आप लोगों का, ऐसा ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप लोगों का आज का जो भी रूटीन है मेरा, वो पूरा सुबह से शाम तक जो कोई भी काम है वो आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ये लोग छुट्टी में क्या क्या काम कराते हमारे से, कब कब फोन आता, क्योंकि कल भी छुट्टी थी मदरसा, छुट्टी आने के बाद ये लोग मेरे को कल भी फोन नहीं किए, परसों भी फोन नहीं किए, यानी मैं 2 दिन से ही छुट्टी में हूँ। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा अरब ब्लॉग्स करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट कर देना। जी आ गया मैं मेरे कपिल के घर के पास गाइस। तो इंशाल्लाह अभी ये बुलाए तो है ना, घर पर भी अगर बुलाए तो एक 5-10 मिनट टाइम लगता है बाहर आने के लिए। ये होगा राइट साइड में जो नजर आ रहा है, ये आ गया हमारे कफील का शिग्गा है यानी अपार्टमेंट। तो इधर अभी मैं वेट करता हूँ, तो उधर वो लोग आने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोगों को आज का जो भी मेरा पूरा रूटीन है बताता हूँ। क्योंकि आज जुमेरात है, जुमेरात के दिन है, गाड़ी भी साफ करना, लड़की का भी गाड़ी साफ करना, गाड़ी देखो कफील लड़की का गाड़ी सिल्वर कलर का जो नजर आ रहा वो गाड़ी भी साफ करना, मेरा गाड़ी भी साफ करना, और आज कफील की जो बीवी है हमारी मैडम, उसकी माँ के घर भी आज जाएगी, जाएगी या नहीं ये देखेंगे इंशाल्लाह। गाइस मैं मैडम को पिकअप करके इधर आया था, ये जो है सऊदी अरब में ये पार्लर है, मैडम कुछ पार्लर गई आज, पक्का आज लगता है मेरी मैडम उसकी माँ के घर जा रही लगता है। इधर पे गाइस क्या है बोले तो, छुट्टी में अगर आए तो किधर भी वेटिंग ज्यादा रहता, ड्राइवर काम में आए तो कोई कोई मैडम होती है कि रिटर्न भेज देती, मतलब के हाँ ड्रॉप होने के बाद जा भाई तो घर करके भेज देती, थोड़े बहुत भेज देते हैं यानी 20% ही लोग भेजते हैं समझ लो, 70% लोग जो कोई भी है सऊदी अरब में जो ड्राइवरिंग में काम करता है उसको वेटिंग करना पड़ता है 1-2 घंटा। हमारा 1-2 घंटे से ज़्यादा मेरा वेटिंग नहीं होता। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, कभी कभार ड्राइवर लोग पागल हो जाते हैं, कंटाल हो जाता उन लोगों का सर, क्योंकि दिमाग भी बहुत खराब हो जाता है इन लोग इंतज़ार कर कर के, है ना। तो कभी कभार 4-5-6-7 आवर 7-8 घंटा भी वेट कराते लोग, इनको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इंसान की मजबूरी, तो आया मेहनत पढ़ने के लिए इधर काम कर रहा है इंसान, तो वो क्या करता है बर्दाश्त करता, बर्दाश्त करके वेटिंग करके पगार होना ना भाई, तो काम कर रहा तो उसको पगार होना, पगार मिलने के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता, इंतज़ार करके वो लेके जाता, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है वो अलग। ये लोग हम फॉर एग्जाम्पल मैं ही समझूँ, मैं मेरे को भी एक जिम्मेदारी, क्या कफील की बीवी जो होती है मैडम हमारी, उसी का काम होता इधर जो कोई भी ड्राइवर, बहुत कम लोगों को कफील का काम होता, ज़्यादातर मैडम बच्चों का ही काम होता, उनको लेके जाओ, उनको लेके आओ, स्कूल लेके जाओ, स्कूल से लेके आओ, छुट्टी रहे तो क्या ड्यूटी रहेगी, सब इन लोगों का काम करना पड़ता, ठीक है। चलो वो मैं आप लोग देखते रहो आखिर तक मेरे वीडियो को, आज जो कोई भी रूटीन है मैं आप लोगों को बताऊँगा। गाइस मैडम को पार्लर से लाए, पार्लर से ला लिया, इसके बाद में गाड़ी साफ़ किया, बहुत ही धूप है देखो, ये धूप में इसका गाड़ी साफ किया मैं, अभी बज रहा रुको टाइम देखेंगे 3:40 हो रहा, मैडम को भी लेके आ गया, इसके लड़की का गाड़ी देखो पूरा साफ कर दिया। अब ये पाकिस्तानी को है लेके उतर बस चढ़ाने के लिए जा रहे, कहीं पर जा रहा वो, और सब लोग बातचीत चल रही, ये भी देखो हमारा आबिद के घर में कोई है नहीं, सब लोग सफ़र गए, यही घर है हमारा आबिद का। तो इंशाल्लाह वो आने तक
हम लोग कल जुमा है, जुमे के दिन जाने की तैयारी चल रही, कहीं पर जाने के लिए सरप्राइज है इंशाल्लाह। आप देखते रहो, आज का जो भी रूटीन है बहुत ही सुस्त हो गया है, ठंडा भी पी के आएंगे जाके, एक बड़ा ठंडा ले जाके सब लोग पियेंगे। क्या अभी बहुत ही खतरनाक है, आबिद अभी सो के उठा क्योंकि आबिद को ड्यूटी नहीं है, आराम से अभी छुट्टी 8 दिन है। चलो ये देखो अभी माँ हीरो के माफिक दिख रहा है अभी, ठीक है चलो चलेंगे, आप देखते रहो वीडियो में। फो आ जा रहे तुम देव हमारे दोस्त सही है, ये पाकिस्तान से ये मनफू आ जा रहा है। क्या रहा हुआ? वो पॉलिश कर रहा हूँ, पॉलिश वो उसकी मैडम का रख दे, ऐसा ही छोड़ के आते समय ठंडा लेके आएंगे करके सब लोग जाए। देखो गिलास गिलास धूप की वजह से गिलास पी लिया, देखो बहुत खतरनाक धूप है। चलो चलेंगे, अब देखते रहो धूप कैसी, देखो बताता हूँ देखो धूप कैसी नजर आ रही, माँ सर पे मार रही धूप, देखो सीरियल का मोबाइल चलाता है ऐसी धूप मार रही, बहुत ही गजब की धूप है भाई। धूप चालू हो गई अभी, अभी थोड़ा बाजू देख के आराम से चालू में गाड़ी है, BMW वो भी वो स्पीड जा रहा, ऐसे 10 गाड़ी बेच के भी नहीं दे सकते बस उसको। नहीं वो अलग बात है, बस देखो क्रॉस करने के लिए रुका है, देखो ये बस आयो इधर ही बस आ गए, जाते क्या? नहीं ये नहीं जाते, अभी नहीं चालू, ये मेट्रो है, ये मुमकिन के देखो कैमरा भी है, देखो आगे 31 मार्च के बाद चालू हो जाएगा, ये 31 मार्च के बाद चालू होता, अभी ये ट्रायल में। रात में ऐसी लाइटिंग रहती है इधर में, देखने के लिए जबरदस्त दिखता रात में। ये जो नजर आ रहा नजम, नजम आके ये इंश्योरेंस का ऑफिस है सऊदी अरब में, अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो यही ऑफिस पर आना पड़ेगा, यानी क्लेम पैसा लेने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। तो गोल्डन बिल्डिंग, गोल्ड बिल्डिंग दो रियाद में, ये धूप में और ये इसमें क्या नजर आता, देखो ये रात को हरा होता, हाँ गोल्ड होता, रात में हरा होता, वो दिन में गोल्ड होता कहते कौन, ये हमारा ललन बोल रहा यूपी वाला, ये ट्रैफिक डॉग है मेट्रो। इसके घर में दो ड्राइवर है, ये और एक ड्राइवर को बात कर रहा, बिल्ले हुआ कलम आंता माफी कर लिम हुआ, सुडानी ड्राइवर है और एक आदमी, तो उसको बात कर रहा है। एक ही बात है ना, दे आना मालूम हुआ कर लिम, आना एस कर लिम, लाजिम हुआ कर लिम, केफ वाइन वर्दी केफ एस मुश्किला आना केफ मालूम। अरे कहना क्या चाहते हो? हरा सगीर फी कबीर फी दुब्बा फी एस पी आना केफ मालूम। ओके ओके ठंडा फिर है सब लोग जाए, आयुब को छोड़ दिया अभी, आयुब को बस चढ़ा के आए, वो कहाँ गया रहा आयुब? मनफू आ गए भाई, सही बोला ना मैंने? हाँ सही बोला, तो गलत नहीं बोला, छोड़ उसको। तो अभी चलो ठंडा पियेंगे, ठंडा पियेंगे, मैं भी रूम में जाके थोड़ा पानी नहा के साफ फ्रेश अप होके वापस आना पड़ेगा, तो मैडम कहीं पे जाएगी पता नहीं, जल्दी जाके रेडी होके आना पड़ेगा। अब आखिर तक वीडियो देखते रहना, आज का पूरा रूटीन। थोड़ी देर पहले गया था ठंडा इंडा पी के रूम पे आ गया था, आके फ्रेश अप होके मैडम मैसेज करके 5:45 में 5:45 घर के पास आ जाओ करके, क्योंकि आज जुमेरात उसकी माँ के घर जाते पक्का, ये सच ऐसा ही लग रहा मेरे को, पता नहीं किधर जाते। कल तो ड्यूटी नहीं था मेरे को, लोगों को छुट्टी में, मेरे को अभी बहुत कमी ड्यूटी लग रहा। 6 बजे वहाँ से मैडम हमारी कफिल की बीवी जो है मैडम 6 बजे निकली, तो मैं इधर आया 6:40 में आया, अभी उसको उतार दिया उसकी माँ के घर के पास, यानी उसके भाई के घर पर, अभी जा रहा हूँ मैं आमिर के रूम पर, आमिर के रूम पर जाके बैठता हूँ आराम से, इंशाल्लाह जब भी फ़ोन आता मैं वापस आके इसको लेके जाना। आज छुट्टी के टाइम में ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहेगा, क्योंकि देखेंगे माँ अगर किधर भी अगर भेजना है तो फ़ोन कर दिया वो, मतलब कि कब कुछ सामान वीमान चाहिए या बेकरी जाना या किधर भी जाना तो मेरे को फोन आता उस ड्राइविंग में। गाइस अभी बहुत सारे ड्राइवर को कम है, अभी सऊदी अरब में ड्राइवर अभी कम है, क्यों? इन लोगों को जब से यहाँ के औरत लोग गाड़ी चलाना सीख ली ना, तो इन लोगों को क्या हो गया, जरूरत नहीं पड़ रही, फालतू में पैसा देना पड़ता करके ये लोग थोड़ा बहुत अभी ज्यादा पैसा फालतू में खर्चा नहीं कर रहे, समझ? ड्राइवर को रखो, ड्राइवर को भी पैसा दो, खद्दामा को रखो, खद्दामा को भी पैसा दो, खद्दामा बोले तो घर की काम वाली जो रहती है उसको बोलते हैं, तो उसको भी पैसा देना,
करके सोच के कुछ भी अभी नहीं कर रहे, खर्चा पैसा ज्यादातर नहीं कर रहे अभी ये लोग। इधर पे कोई भी आना चाह रहा आ सकता, मगर क्या है पहले सोच समझ के, कोई अपना दोस्त एजेंट के थ्रू कोई भी आ रहा मुश्किल नहीं आओ, मगर अपना दोस्त के जरिए या कोई रेफर जो कर रहा तुम्हारा उसके हिसाब से बात करके आओ, क्योंकि अपना कोई रहना या दोस्त रहना या फ्रेंड या फ्रेंड या कोई दोस्त या अपना रिलेशन में कोई रहना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट में आने के बाद ये लोग रहेंगे या लेने आएंगे या नहीं आएंगे ये कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि कभी इधर ही रहा तो सऊदी लोग आ जाते हैं बुलाने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए कभी भी कोई रहना पड़ेगा। मेरा पहला दिन में मेरे ऊपर क्या क्या गुजरा आप लोगों को बताऊंगा एक वीडियो बना के, बहुत मुश्किल घड़ी थी भाई पहला दिन मेरा इधर पर जब मैं आया था। लोगों को स्कीमें बता दे गाड़ी ये, क्योंकि गाड़ी नहीं देते ना लोग, तो पहले मेरे को गाड़ी का सिस्टम था। तो रमजान जो गया अभी अभी जो आ रहा है रमजान वो नहीं, इससे पहले का जो रमजान गया उस रमजान के बाद में मेरे गाड़ी में GPS लगा दिए, तो इधर उधर घूमने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि पहले छूट थी जाके आने के लिए। पता नहीं कफिल क्या बोल रहा, अभी पेट्रोल ज्यादा हो गया तो इसीलिए कहीं पर भी अगर तू गया तो मालूम हो जाता। मैं कभी भी अगर किधर भी गया तो परमिशन लेके ही जाता, ऐसा तो कभी मैं नहीं गया बिना बोले, कभी नहीं गया, कभी भी परमिशन लेके ही जाता। फिर भी इनकी सेफ्टी के लिए ये लोग GPS लगा लिए, अच्छा है हमारे को भी सेफ्टी है। कभी भी मैं क्यों कुछ गाड़ी का फॉर एग्जांपल गाड़ी में कुछ लग गई कुछ भी हो गया मुश्किल होता, इसीलिए तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, जाने से पहले परमिशन ले लिया तो टेंशन नहीं रहेगा ना हमारे को। शायद लग रहा सिम्बू आया इधर पे, वो मेरी मैडम का जो बहन है का और एक बहन है उसका ड्राइवर आया, उसी का गाड़ी आई है, मेरा जैसा सेम गाड़ी उसी का आई गाड़ी है, हाँ वही है रूम पर है शायद, वो अमीर के रूम पर गया गाइस मैं अभी वापस से, अमीर के रूम में अंदर जाके बैठा था फिर वापस से मैडम फोन कर दी, तो दुकान जा करके बोल रही है फिर इसको यहाँ से सामान लेके फिर वहां पे उसको फिर उसके भाई के घर में लेके जाके पहुंचाना, वापस से बकाला जा रहा हूँ, बकाला यानी दुकान जा रहा हूँ, दुकान जाके उसको जो सामान क्या चाहिए पूछ के सामान लेके देना पड़ता उसको, क्या सामान चाहिए आप लोगों को बताता हूँ, देखो क्या मंगाई हो करके, आप देखते रहो मेरे आखिर तक मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को अरब ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट कर देना, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है मेरे चैनल के लिए। आ गया मैं दुकान पर, अभी गाड़ी लगा दिया, अभी दुकान बताता हूँ कौन से दुकान के पास हो, ये हो गया दुकान 24 आवर्स दुकान बता रहा मगर ये बंद कर देता 24 आवर्स नहीं रहेगा, चलो जाके देखेंगे उसको क्या होना करके, फोन लगा के देंगे क्या चाहिए वो देखेंगे बोलती वो। चॉकलेट लेने के लिए बोली थी गाइस वो बस किट कैट, अब 5 लेके आओ बोली, 4 ही है इसमें, 4 ही ले लिया मैं। किंडर बेनो देखो कैसा रहेगा इधर पे, किंडर बेनो बच्चे जो खाते हैं, ये भी ज़बरदस्त चॉकलेट है, पूरे चॉकलेट का सेंक्शन है ये, इस साइड ये प्रिंगल्स, यहाँ पे बेकरी है पीछे, ये चीज़ ये सब मिलता है इधर पे, देखो बिस्किट इधर ही बनाते हैं लोग, खुबूस बनता खुबूस यानी रोटी रोटी बनता है इधर पे, चलो जाएंगे ले लिए चॉकलेट तो जाके उसको देंगे अभी, ले लिया चॉकलेट तो लेके जाके फिर वापस से देके अमीर के रूम में वापस से आ जाओ, तो 12 बजे तक वेट करो, ऐसा अगर हो गया ना कभी कभार देखो रात में खाने के लिए भी ऑर्डर दे देते, फलाफिल हो गया या खुबूस लेके आ जाओ, ऐसा कुछ भी इन लोगों का खाने का इंतजाम भी हमारे से ही करवाते हैं, क्योंकि और एक ड्राइवर जो हमारा अमीर है अभी चले गया, वो ब्लू आर चले गया, तो वो अभी मैच हूँ यहाँ पे ड्राइवर, वो लुलू मैडम जो है और एक किसी मेरी मैडम की बहन जो है उसका ड्राइवर भी है, मगर उसको नहीं बोलते क्योंकि उसकी मैडम आके इधर है, अभी और एक अमीर है वो मुंबई वाला अमीर अभी मैडम को लेके आने गया, वो भी इधर ही आता करके बताया, देखेंगे इंशाल्लाह वो भी आएगा करके, लेके जाके देखे वापस आता हूँ, अब वीडियो आखिर तक देखते रहो। देखो भाई ड्यूटी क्या क्या रहेगा, देखो छुट्टी रही तो भी इन लोगों का काम क्या क्या रहेगा आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको जरूरी है देखना, ये करके अगर देखे ना तो आपको बहुत कुछ चीजें जो होती है वो छूट जाती,
ठीक है, आप देखते रहो आखिर तक वीडियो को, मैं जाके उसको दे के आता हूँ। ये जो राइट साइड में नजर आ रहा सब आगे टायर का दुकान है, टायर चेंज करने का पूरा ये मार्केट ही है समझिए। यहाँ से सामने एक राइट जाएगा डायरी के लिए, तो वहां तक पूरा ये टायर का ही दुकान है। तो अभी बज रहा 7:20 हो गया, तो इसको अभी यहाँ पे अभी देखो एक ये भी आएगा, यानी Top 10 करके एक मॉल आएगा। लाइटिंग देखो इधर पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा, अभी नाइट का व्यू अच्छा लगेगा इधर पे, नाइट में है ना व्यू अच्छा लगता, तो इसीलिए आप लोगों को ये भी कैप्चर करके बता रहा हूँ। इसका नाम टॉप है, बस टॉप टॉप अप, ये मॉल का नाम आके टॉप अप है। जबरदस्त है लाइटिंग, क्या लाइटिंग लगा है लोग ये इधर पे। अगर फ्लाइट में भी ऊपर से जब लैंडिंग होती है, हम लोग अगर इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं किधर से भी आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट में एयरपोर्ट से ही हमारे को मालूम पड़ जाता है कि कितनी लाइटिंग है। अगर नाइट में अगर लैंडिंग हुई फ्लाइट है, नाइट में आए समझो, हमारे को मालूम पड़ जाता कितनी लाइटिंग है, बाप रे बाप करके ऊपर से ही मालूम पड़ जाता। इधर का गली देखो गाइस, इधर पे गली में एक बच्चा नजर नहीं आएगा, एक बच्चा यानी एक छोटा बच्चा भी नजर नहीं आएगा, एक बच्ची भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग को कहीं पर भी बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते, ऐसा साइलेंट रहेगा माहौल इधर का, साइलेंट है समझो। जो भी करना घर के अंदर, और अड़ोस पड़ोस में भी ये दोस्ती भी नहीं करते और बात भी नहीं करते एक दूसरे से। कितने भी साल से घर पे रहो मगर बातचीत नहीं होती इनकी, आसपास लोगों से भी बात नहीं करते लोग। चलो इसको देख आएंगे, वापस से आ गए गाइस ये इसके घर के पास। ये अमीर का गाड़ी हो गया व्हाइट, ये ब्लू आडी मेरे कफील के मैडम के भाई के लड़के की। चलो यहाँ जाके रख के आएंगे, रख के आ गए गाइस उधर से, फिर वापस से रूम पे जा रहे हैं अमीर के रूम पर। सिग्नल पे रुका हूँ, ये हो गया टैक्सी देखो, रियाद का टैक्सी है सऊदी अरब का। ये देखो इधर पे ड्राइवरिंग काम है, फोन आया तो ही उठ के जाओ, नहीं तो आराम से रूम पर रहो, दूसरा कुछ काम नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे, देखो अगर बाहर आए ना इंसान टैक्सी वैक्सी लेके भी काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता, ये ड्राइवरिंग काम में कुछ काम नहीं बनता भाई। बाकी तक वीडियो में बने रहना, जब भी फोन आता आप लोगों को बता के मैं निकलूंगा, ठीक है गाइस। देखो अभी आ गए हम लोग सब लोग, ये हो गया हमारा आलम, सब लोग अभी देखो रिलैक्स कैसे कर रहे, आराम से रिलैक्स कर रहे, सो के लेड़ के पढ़ के ऐसा ही, अभी जब तक फोन आता नहीं एंजॉयमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत चाय की पीना पड़ता। क्या रे ड्यूटी क्या था तुम्हारे को सब, तेरे क्या था सवेरे से ड्यूटी? सुबह से सुबह, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। सोच के बोल रहा क्यों मालूम, ये ज्यादातर सोता नहीं रूम पे, खाली गेम के चक्कर में रहता। नहीं 7:30 फोन आया कि ओलैया लेके जाना है लड़की को, उधर से छोड़ के आया, फिर सोचा नाश्ता वास्ता कर लूं, नाश्ता किया, उसके बाद 10 बजे फिर फोन आया कि लड़की जाएगी जिम में, ठीक है जिम में फिर छोड़ा। ये फटा हुआ टी शर्ट क्यों पहना रहे? फट गया यार, ये देख सड़ गया। तू दूसरा पहन के आता ना? अरे मुझे क्या पता, देखा आज खमीज है वैसे भी चल जाता है, आखिरी दिन है। अमित तेरे को कितने बजे जाके आया ड्यूटी सवेरे से? भाई सवेरे गए हम सुबह 7 बजे काम पे, छोड़े लड़की को दोपहर 2 बजे लेके आए, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुए, रिलैक्स होके अभी बुड्ढी को लेके छोड़े इधर, अभी जाएंगे अपना शाहरुख भाई अपने को पैसा दिए 15 रियाल खाने के लिए, अभी होटल जाएंगे आराम से खा के आ जाएंगे। चलो गाइस आप वीडियो में बने रहना, 15 रियाल क्या इधर पे है ना सब लोग। खमीस के दिन आया तो हमारे पूरे जो मैडम है, मैडम की बहन का ड्राइवर है आलम, ये भी और एक बहन है मेरी मैडम का, उसकी बहन का ड्राइवर है हमारा। ये अमीर जो है बाहर काम करता, उसका वीजा ये इनके घर का वीजा नहीं है, आजाद वीजे का हिसाब से। हम पार्ट टाइम करते हैं भाई, इधर पार्ट टाइम का जॉब है सिस्टम, इधर पार्ट टाइम करके बाहर फूड डिलीवरी का करते, ये सिस्टम है इसका। गाइस मेरी मैडम फोन कर दी, अभी फोन कर दी वो, यानी मैडम जो है अभी फोन की मैसेज करके थी, यानी 10:15 में आ जाओ करके, मैं आ गया इधर इसके भाई के घर के पास आ गया, मतलब उधर थे सब लोग, हम लोग मिलके ड्राइवर लोग मिलके खाना खाने के लिए चले गए थे उधर, सब लोग मिलके ड्राइवर लोग,
जाके खाना गीना खा के तुरंत स्पीड में मैं आ गया। पता नहीं कहाँ पे इधर से जाएगी वो। हाँ, आप लोगों को मैं बताना भी भूल गया, इसलिए वीडियो बनाना भूल गया। उधर पे होटल गया, होटल पे भी खाना खाए। इंशाल्लाह अभी देखेंगे कहाँ पे जाएगी मैडम। मुमकिन लगता वो घर पे जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कहाँ जाएगी करके। आप देखते रहना मेरे वीडियो को। वापस से आया इधर, देखो इधर काम किए तो है ना। हाँ, खाना खाते समय मैसेज आया था, तो खाना जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ा, तो वापस आया खा के जल्दी जल्दी निकल के आ गए। अभी वो निकल के आते, अभी जाएंगे। हमारा आमिर का गाड़ी आई है, ये अभी गया है ना, उसका इधर आके रुका के उसका कफिल के साथ, उसकी कफिल की गाड़ी के वो ही खुद चला के लेके जाता, वो गया साथ में बस। ठीक है, अभी वो आ गई तो जाएंगे। चलो आप देखते रहो वीडियो को। हाँ, चल रहा है। फिर वापस से आ गए मैडम के घर पर, यानी उसके अब्बा के घर पर आ गए, उसके बाप के। ये हो गया उसका घर। कोई ड्रिफ्ट मार के कैसे जा रहा है, उतनी स्पीड चला लेके जा रहा है, जा रहा जा रहा, कैसे जाते थे वो लोग। ये इन लोगों को छोड़े ना तो बहुत ही स्पीड जाते लोग ये, और सबसे स्पीड बहुत चलाते सभी लोग, उनके बच्चे माने बड़े लोग नहीं। ये हो गया ब्लैक कलर का गाड़ी मेरा, वो ब्लू जो नज़र आ रहा हो उस साइड में, ये ब्लू जो नज़र आ रहा वो आके आमिर का गाड़ी है। इधर पे जो नज़र आ रहा मेरे पीछे, वो आके आलम का गाड़ी, जो आलम जो है पीछे बैठा, वो आमिर का रूम है। चलो जाके बताता हूँ आपको। खाना खाने गए थे हम लोग सब लोग, तो मैं ये ध्यान में नहीं रखा, जल्दी जल्दी जाना था, मैडम का मैसेज आ गया था। ठीक है, इधर पे किसी को बात कर लेके बैठा है, इधर है तो कुछ काम नहीं। मैडम को उतारने के बाद ऐसा फ़ोन में चिट चैट चलती, बात चलती रहती। इधर किससे बात करा रहे? कस्टमर। कौन सा कस्टमर? अच्छा, ऐसा बोल। आमिर इधर देखो सो रहा आराम से, वो भी मोबाइल कितना रखा था, एक दो तीन तीन मोबाइल रखा। ये बहुत बड़ा आदमी, पार्ट बिजनेस भी करता, एक बिजनेस फूड डिलीवरी का काम भी करता, और ये भी करता, गाड़ी भी चलाता इधर ड्राइवरिंग का काम। चलो आप देखते रहो वीडियो को। इधर का नाइट में देखो, कोई एक बच्चा नहीं दिखेगा रोड में, कोई एक आदमी नहीं दिखेगा, ऐसा है सिस्टम इधर का। ये बाजू है फोर्ट का गाड़ी अकॉर्ड, कोई भी नजर नहीं आता। देखो इधर साइलेंट रहेगा यहाँ पे। अभी बज रहा, कितना बज रहा? अभी 10:30 हो गया, एक बच्चा नहीं दिखेगा इधर पे। भाई हम लोग ऐसा ही मजा करने के लिए खेल रहे हैं, चुप फालतू में कुछ काम तो है नहीं, इसीलिए ऐसा खेल रहे। इधर आए तो सब लोग मिलके ऐसा खेलते हैं। ये मास्टर है लूडो का, लूडो का मास्टर है ये। क्या रे चेचे आ गया? अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर देना। लाइक करो करके बोलो तुम लोग भी, लाइक करो भाई की वीडियो को, सब्सक्राइब करो। और यार तू इसमें बोल, तेरे इसमें बोल, ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। करो सब्सक्राइबर करो। यही नहीं बोल रहा, अभी और सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वहां देख के बोल चैनल, वहां देख के बोल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो करके बोल फर्स्ट। बस वो समझ गए ना, समझ रहे हो, समझ गए, समझ रहे हो आप सब लोगों को। गाइस अभी एक 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 करके फोन आते जा रहा। ये हमारा सिम्बू भी आया, फिरोज खड़ा उधर पे बाजू में। फिरोज हाय, हाय हेलो, हाय बोल रहा इंग्लिश में। नींद भी आ गया, अभी बज रहा। ये हमारा अमीर भी मस्त सो रहा, ये अमीर भी आ गया बाजू, वो अमीर भी उधर ही जाए। अभी चलो हम लोग भी जाएंगे। अभी मैडम का फोन मेरे को अभी तक तो नहीं आया, सब 10-15 मिनट में अभी आएगा, वो जा रहा अभी, आलम तो जा रहा। वैसे मेरे को भी फोन आ गया मैडम का, सब लोग एक करके निकल गया, अभी मैं भी निकल रहा हूँ। चल रहा मेरे, चलता हूँ। जनता माफ नहीं करेगी, अरबी में कुछ बोल रहा, क्या बोला सोरे बर्बर, मसलाम है हबीब ना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। देखे अरबी में बोल रहा वो। गाइस अभी आ चुके हैं, 1:35 हो रहा, यानी आप लोगों को बता देता हूँ टाइम। देखो एक मेरे ये मोबाइल में 1:30 हो रहा, 1:30 हो रहा। चलो आज का ड्यूटी खत्म हुआ, जुमेरात के दिन का ड्यूटी खत्म हुआ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं परमिशन भी ले लिया कफिल से, कल जुमा है भाई, 4 बजे के बाद तू मेरे को फोन कर, 4 बजे से पहले फोन मत कर, मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ करके।
इंशाल्लाह कल जाएंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को गाइस थोड़ा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कोई भी देखता सब्सक्राइब के बिना मत जाओ, और पूरी आखिर तक वीडियो देखो ताकि आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ता सऊदी अरब में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हमारा क्या क्या काम होता, सब आप लोगों को मालूम पड़ता, ठीक है। मेरा आज के दिन बहुत ही लेट आते हैं लोग, अगर छुट्टी अगर है ना तो बहुत लेट आते हैं। अभी तो जल्दी आ गए, अगर कोई पार्टी गिटी अगर है तो 2 बजता, कभी 3, कभी 4 भी बज जाता, सवेरे हो जाता। जो कोई भी इधर ड्राइविंग में काम करता उन लोगों को 4 बजे तक भी काम करना पड़ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कल, शुक्रिया।